तो नमस्कार, फिर से आप सभी को हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। और जैसे कि संघर्ष 2 जो खेसारी लाल यादव का जो फिल्म आने वाली थी, इसमें बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं कि खेसारी लाल के जो फिल्म आने वाली संघर्ष 2 25 अगस्त को, और ये लोग चुप क्यों हैं और अपने आप बयान या फिर कहीं इंटरव्यू या फिर कहीं कुछ क्यों नहीं सोशलाइज कर रहे हैं ताकि उनके जो संघर्ष 2 फिल्म आ रही है उसका बूस्ट कर पाए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, एक न्यू अपडेट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात यानी कि संघर्ष 2 जो 25 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, यानी कि प्रोड्यूसर नहीं कहीं चुप है और ना ही जो डायरेक्टर, ना ही जो एक्टर जो खेसारी लाल यादव, सब अपने कहीं ना कहीं बिजी है अपने काम में, ठीक है। तो सीधी तौर पर मेरे कहने का मतलब है कि कल एक मैं वीडियो देखा जिसमें रत्नाकर कुमार संघर्ष 2 फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो थे, और जो पराग पाटिल है जो डायरेक्टर वो थे, और खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में देखा उसमें वो तीनों लोग बैठे हुए हैं और इंटरव्यू दिए, अपना बयान दिए कि संघर्ष 2 कब आने वाली है और कब रिलीज की जाएगी। तो संघर्ष 2 जो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यानी 20 अक्टूबर को रिलीज होगी, और इस डेट को चेंज कर दिया गया। क्योंकि क्यों चेंज किया गया, क्योंकि अभी गदर फिल्म चल रही है, बहुत ही बूस्ट कर रही है, और जैसे कि इतना शायद लोग सोचा भी नहीं था कि गदर 2 फिल्म इतना चलेगी भी, लेकिन जैसे कि थिएटर में अभी भी चल रही है, खूब चल रही है और लोगों अपना उस पर बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यही सब को देख करके खेसारी लाल यादव सोचे कि मान लीजिए इसी में मैं, अगर मान लीजिए कि एक फिल्म पहले से लगी हुई है उसी में मैं ठेल दूँ तो शायद दोनों में से किसी के को। तो इसीलिए खेसारी लाल यादव की जो टीम है संघर्ष 2 के, ये लोग सोचे हैं कि इस फिल्म को अभी रिलीज नहीं किया जाएगा, बाकी जो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 20 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच मुझे पहुंचाना था, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही फिर मिलता हूं मैं आप लोग साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और जय भोजपुरी, जय बिहार।